देखो पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। शिलांग वैली में ना ये एक मंदिर भी है, कंचन नाग मंदिर करके छोटा सा मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, पहाड़ी कितना सुंदर लग रहा है। गाइस अभी हम आए हैं वशिष्ठ टेंपल। ये वशिष्ठ टेंपल जाने का रोड है, पूरी दोनों तरफ मार्केट है ऐसी। नीचे एक पार्किंग है और ऊपर भी एक पार्किंग है, तो आप जब गाड़ी से आते हैं तो नीचे की पार्किंग में मत रुकिए, वो वहाँ पे अगर पूछेंगे तो वो लोग आपको नीचे की पार्किंग में रुकने को बोलते हैं, बट आप ऐसा मत करना, रुकना मत वहाँ पे, आगे एक पार्किंग है ऑलरेडी पड़ेगा। ये देखिए सुंदर है टेम्पल। हिमालयन रैबिट देखिए कितने सुंदर है। कितना सुंदर लग रहा है मंदिर देखिए। यहाँ पे आप स्नान भी कर सकते हैं। ब्रह्मश्री वशिष्ठ का प्राचीन मंदिर। यहाँ पे मंदिर का अंदर का फोटो लेना मना है। इस तरफ जेंट्स के लिए नहाने के लिए जगह है, अंदर इसके अंदर ना कुंड है, वहाँ पे आप नहा सकते हैं। बस आप जो है इस मंदिर की कलाकृति देखिए, डिजाइनिंग कितना खूबसूरत है लकड़ी के वर्क पर। ये देखो और एक दूसरा मंदिर है। यहाँ के डॉगीज देखो कितने हट्टे खट्टे हुए, बाल देखो इनके। ये देखिए ये राम मंदिर है। कितना सुंदर डिजाइन है, पूरा लकड़ी के पाइन पर किया हुआ। यहाँ पे मंदिर के रिलेटेड जानकारी दी है, तो मैं वीडियो में आपको थोड़ा आराम से दिखा रही हूँ, आप पढ़ लेना। यहाँ पे बहुत सारे कैफेज है, रेस्टोरेंट भी है, जहाँ पे आप बैठकर व्यू एंजॉय करते हुए खाना खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। गाइस ये देखो अभी हम आए हैं नेहरू देखो, बहुत सारे लोग जो है पानी की बोतल वगैरह भर के ले जाते हैं घर पे, बहुत पवित्र माना जाता है ये नेहरू कुंड से पानी ले जाना। ये नेहरू कुंड के ऊपर जाने का रास्ता है।
कौन सा मंदिर है? शिव पार्वती मंदिर है। देखो ये शिव पार्वती मंदिर है, एकदम रोड साइड है ऐसा। ये लोकेशन देख, ये देखिए पास में एक हनुमान मंदिर है। आप ये मंदिर भी अच्छा है। यहाँ पे जितने भी मंदिर में आप जाओ आपको एक अलग सी शांति मिलेगी। इतने रोड साइड में होकर भी ये मंदिर में बहुत शांति है। ये देखो यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल ये चल रहा है शादी का। हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते इसलिए मैं धीरे से बात कर रही हूँ। ये देखिए मंदिर की खिड़की में से भी कितना सुंदर व्यू है। मंदिर के पीछे एक दरवाजा है, वहाँ से देखिए ऐसा सुंदर नज़ारा दिखता है। वो मंदिर के पीछे से आप आ सकते हैं। ये देखिए ब्रिज, देखिए ये वही रोड है जो अटल टनल और सोलांग वैली के लिए जाता है। तो आप जब सोलांग वैली के लिए जा रहे हो तभी ये पॉइंट कवर कर सकते हैं। इतना खूबसूरत है गाइज। अभी हम आए हैं जोग वाटरफॉल, जो मनाली के लोकल पॉइंट्स में से एक है। ये देखिए जोग वाटरफॉल का ही पानी है ये। पिछला हमने देखा था पॉइंट नेहरू कुंड, वहाँ पे नेहरू जी जो है वो पानी पीने आए थे और वो एकदम ऊपर हिमालय से आता है तो सबसे शुद्ध पानी माना जाता है, तो सब पानी भर के वहाँ से ले जाते हैं। यहाँ पे जोग वाटरफॉल का भी पानी आप देख सकते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। गाइज ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ना सबसे ऊपर की चोटी, वहाँ पे दो पत्थरों के बीच में वो वाटरफॉल है, तो वहीं से सारा पानी आ रहा है। यहाँ से आपको दिखेगा नहीं, जब पानी ज़्यादा होता है ना तो दिखेगा आपको वो। की आवाज आ रही होगी आपको। देखो गाइज ये जोग वाटरफॉल है, ये आपको छोटा सा दिख रहा होगा व्हाइट पानी। ये देखो यहाँ से एक छोटा सा मंदिर भी है। मंदिर जाने का रास्ता देखो कितना सुंदर है। बारिश के मौसम में ये जन्नत लगता होगा एकदम। अभी भी इतनी धूप है बट एकदम चिल्ड है। ये देखिए कितना छोटा मंदिर है। व्यू देखिए आप सिर्फ यहाँ से, इतना सुंदर शांत लग रहा है एकदम। कौन सा मंदिर है अंदर, कौन से भगवान है देखो तो। हम आए हैं क्लब हाउस, यहाँ का एंट्री टिकट जो है 25 रुपीज़ पर हेड है। यहाँ पे स्पोर्ट्स के गेम्स वगैरह है। देखते हैं ये जो प्लेस है वो वर्थ है या नहीं। सिर्फ गेम्स वगैरह है और शॉपिंग के लिए चीज़ें हैं। ये देखिए क्लब हाउस में ऐसा छोटा सा ब्रिज है जहाँ से आप क्रॉस करके जा सकते हैं। पूरा जंगल जैसा है, अच्छा है। तीनों की भी आप
कितनी अच्छी वॉल में पेंटिंग जैसे टंगने के लिए है, ये देखिए, ये देखिए ऐसे रिवर का व्यू है यहाँ पे, इतना सुंदर है देखिए। 25 rupees टिकट वर्थ है इसका, मतलब क्लब हाउस में आना। रिवर क्रॉसिंग की एक्टिविटी है, चलो चाके चार्जेस पूछते हैं। आप भी छोड़ेंगे कि जितनी से फोटो वीडियो हम बना लेंगे आपके टाइम। ₹100 चार्जेस है यहाँ से एग्जिट लाइन जो है उसके, आप कर सकते हैं चाहे तो, 200 मीटर का डिस्टेंस है। व्यू देखिए सिर्फ, आप व्यू के लिए भी अगर आप ₹25 देंगे पर पर्सन तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे रिवर साइड आप फोटो वगैरह खिंचा सकते हैं। अच्छा है, अभी हम आए हैं मनु टेंपल, ये देखिए टेंपल में से व्यू देखिए आप, हिमाचल के सारे मंदिर जो ऐसे लोकेशन पे है ना, खूबसूरती से भरे हुए हैं। बहुत ही सुंदर है मनु टेंपल, क्लब हाउस से 1 किलोमीटर की दूरी पर है मनु टेंपल। इसका स्ट्रक्चर देखिए कितना सुंदर है, और पुराने मंदिरों में से एक है ये, देखिए पत्थर का पूरा बना हुआ है। पुराने मकान है, ये रोड है ऐसे मनु टेंपल को आने की, मंदिर तक पूरी गाड़ी आ जाती है। ये देखिए जब आप हडिंबा देवी टेंपल आते हैं तो अंदर जाते जाने का ये रोड है, देखिए कितना सुंदर है, रूट ही इतना सुंदर है। बहुत सारे मूवीज की शूटिंग जो है यहाँ पे हुई है, मनाली के सबसे खूबसूरत मंदिर में से एक मंदिर है ये हडिंबा देवी टेंपल मंदिर, चारों तरफ देवदार के पेड़ है। देखिए हडिंबा माता मंदिर, ये कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है मैं वीडियो में दे देती हूँ, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। चलो अब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं हडिंबा देवी टेंपल की। कितनी रश है देखिए, लाइन लगी है मंदिर के दर्शन के लिए।
मंदिर के अंदर जो है फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। मंदिर के अंदर जो है जो हिडिंबा देवी माता है उनकी उनके पैर है और वहाँ पे एक बड़ी सी स्टिक है। यहाँ पे आना टोटली वर्थ है। मंदिर की खूबसूरती बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। यहाँ पे आप ड्रेस पहन के हिमालयन ड्रेस पहन के फोटो निकाल सकते हैं। 100 रुपीज चार्जेस है। खाने के लिए भी आपको चीज़ें मिलेगी। हिडिंबा देवी टेम्पल दिखने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा दूसरा मंदिर है। एक्चुअली मंदिर नहीं है, पेड़ के नीचे है ये देवस्थान। जय घटोत्कच जी का देवस्थान है ये। ये देखिए, बहुत से लोगों ने उसको भेंट दिया है ये घर। तेजा कनेक्शन त्या विहारा बरोबर आहे रे। कोणता समस्या आहे का? तेजा आतल्या विहार पास में ही ये म्यूजियम है, हिमाचल कल्चर एंड फोक करके, तो आप यहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। चल के मत ये हमारे ट्रिप का जो है लास्ट पॉइंट है, वन विहार है। मनाली का जो मॉल रोड है उससे एकदम नज़दीक है ये मॉल रोड है, और एकदम उसके बाजू में वन विहार करके है। ये देखिए, एसी टिकट आपको मिलेगी। टिकट की प्राइस है 50 रुपये। टिकट की प्राइस है 50 रुपये पर पर्सन। ये देखिए, ऐसे एकदम नेचुरल पार्क है। बच्चों को खेलने के लिए झूले वगैरह हैं। ये देखिए, गाइज़, अभी हम पूरे मनाली के ट्रिप के टूर के बारे में बताते हैं। मनाली का जो ट्रिप है वो आप चाहे तो 2 दिन में भी कर सकते हैं और चाहे तो 5 दिन में भी कर सकते हैं। आपको जितने पॉइंट्स कवर करने हैं और उस पर डिपेंड रहता है कि आपको कितने दिन का स्टे चाहिए। बट मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि मनाली जब आप आते हैं तो कोई कार वार हायर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे शेयरिंग के ऑटोस चलती है, शेयरिंग की कैब चलती है, आप बाइक जो है रेंट पे ले सकते हैं। तो कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप कार हायर करें। हाँ, आप फिर भी आप करना चाहते थे वो आपकी चॉइस है। बट आप अगर पैसे बचाना चाहते हैं तो आप बाइक हायर करके जो है पूरा ये कर सकते हैं, ट्रिप आपका कंप्लीट कर सकते हैं। बाइक के चार्जेस 800 से लेकर 1200 तक है, और उसमें आप बार्गेन भी कर सकते हैं। ये देखिए, ऐसे नीचे एक छोटा सा पुल जैसा बनाया है, वहाँ पे आप पैडल बोटिंग एंजॉय कर सकते हैं। नानका है, सिर्फ राहुल थी मम्मी। ये उसका
मनाली में जो है आपको होटल जो है सीज़न नहीं है अभी, तो आपको 700-800 से लेकर 1500 या 5000 तक भी होटल मिल सकते हैं। वो आपकी चॉइस है, आप कौन से और कैसे होटल में रुकना चाहते हैं। तो अगर 2 दिन का आप प्लान बना रहे हैं तो दिल्ली से आपको वोल्वो मिल सकती है, ट्रेन भी आती है यहाँ पे, डायरेक्ट मनाली नहीं आती। और यहाँ पे एयरपोर्ट भी है, बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है आप वोल्वो से आओ, 4 से 5 दिन पहले बुकिंग करवा लो अपने वोल्वो की, तो आपको वहाँ पे जो है कम रेट में वोल्वो मिल जाएगी। आते वक्त मैंने यात्रा से टिकट बुक किया था तो मुझे 1300 में 2 लोगों का टिकट मिल गया था। अभी जाते वक्त हमने 1 दिन पहले बुक किया तो हमें वो टिकट ज़्यादा थोड़ा महंगा पड़ा, 1700-1800 में पड़ा। तो आप 2 या 3 दिन पहले करवा लीजिएगा। और होटल के वक्त कॉन्टैक्ट नंबर मैं जहाँ पे रुकी थी वो मैं दे दूँगी। हाँ, बट मैंने यहाँ से जो एक बात हमेशा याद रखी है कि आप यहाँ पे आके पैकेज मत बुक करवाना, तो आपको वो महंगा पड़ेगा। और जो भी आप कभी भी खुद से आते हैं, टैक्सी वाला बंदा आपको अगर बोलता है कि चलो मैडम मैं आपको अच्छी डील दिलवा दूंगा, तो उसका कमीशन उसके अंदर इंक्लूड रहता है, तो वो आपको हमेशा महंगा ही पड़ेगा। तो आप प्लीज़ ऐसा हमारे जैसा मत करवाना, हमने वैसे ही किया था तो हमें वो महंगा ही पड़ा था ज़्यादा। और जो भी पैकेज है वो आप उनसे रिटर्न में ईमेल पे लीजिए कि उसमें क्या इंक्लूड रहेगा, कौन से पॉइंट इंक्लूड रहेंगे, कौन से नहीं रहेंगे, क्योंकि वो एंड ऑफ द मोमेंट आपको जो है वो हमेशा बोलेंगे कि नहीं ये मैडम आपके पैकेज में इंक्लूड नहीं था। और जो आप ओरली जो भी बोलेंगे वो तो उसके लिए वो एग्री नहीं करते। तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए और अभी एंजॉय कीजिए ये वीडियो। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपको पसंद आई कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ट्रैवल्स एंड यूज़फुल टिप्स चैनल का नाम है, एंड लाइक कर दीजिए और जितना चाहे शेयर कर दीजिए लोगों को, ताकि इन्फॉर्मेशन पता चले। क्योंकि मनाली में बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे पैसे ज़्यादा खर्च कर देते हैं टैक्सी वगैरह के लिए। जब स्नो गिरती है तब उस टाइम पे आप बाइक से वगैरह नहीं जा सकते, तो उस टाइम पे आप अगर कार वगैरह हायर करते हैं तो भी वो वर्थ है। उसमें भी यही है कि आप शेयरिंग के कैब्स वगैरह चलते हैं स्नो पॉइंट के लिए 500 रुपीज़ पर पर्सन ऐसे करके, तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं। और जो भी लोकल पॉइंट है, हडिम्बा देवी टेम्पल या मनु टेम्पल या फिर वन विहार, जैसे हम अभी वन विहार में हैं, ये तो आप वॉकिंग डिस्टेंस कर सकते हैं या फिर शेयरिंग ऑटोज वगैरह चलते उसके शेयरिंग ऑटो से भी कर सकते हैं। तो आप 2 दिन का अगर प्लान बनाते हैं तो आपका होटल का 1000 से 1500 पर पर्सन पर रूम चला जाएगा। खाने के लिए यहाँ पे वेजिटेरियन फूड ज़्यादा मिलता है, नॉन वेज इतना अच्छा मिलता नहीं है। तो आप अगर वेज खाना खाते हैं तो 500 पर पर्सन पकड़ लीजिए खाने का चार्जेस। और एक्टिविटी का आप सोच लीजिए आपको कितना एक्टिविटी करना है। पैराग्लाइडिंग के चार्जेस मैंने बता दिए, कुल्लू में 2500 पर पर्सन है, यहाँ शोलांग वैली में 3500 पर पर्सन है, उसमें आपको रोपवे भी मिल जाएगा, रोपवे से ऊपर ले जाएंगे आपको। बाकी की सारी एक्टिविटीज़ की डिटेल भी मैंने आपको दे दिए हैं। और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। और आप मुझे ये बताइएगा कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनाऊँ, कौन से जगह की। टिल देन बाय, घूमते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और नेचर को क्लीन और ग्रीन रखिए। थैंक यू।